नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, 2 साल के बाद श्रीनगर में हुआ है इनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 12 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। इनमें से एक हुर्रियत प्रमुख का बेटा जुनैद सहराई भी है। सैयद अली शाह गिलानी के बाद मोहम्मद अशरफ सहराई हुर्रियत प्रमुख बने थे। इन्हीं का बेटा है जुनैद। रियाज नायकू के मारे जाने के बाद हफ्ते भर पहले ही हिजबुल कमांडर बने सैफुल्लाह को डिप्टी चीफ बनाया गया था। यहाँ श्रीनगर में एक बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर डाउन टाउन इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। सोमवार रात 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था। घनी आबादी वाले नवाकदल में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी सिपे थे, जिसमें से एक अलगावादी संगठन तहरीक ए हुर्रियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद भी था। जानकारी के मुताबिक 29 साल का जुनैद अपने साथी ताहिब अहमद शेख के साथ बीती रात यहाँ फंस गया था। पुलिस को टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी मौजूदगी को लेकर पुख्ता जानकारी मिली थी। रात 2 बजे पुलिस ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। 1 घंटे बाद सिपी हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। ग्रेनेड ब्लास्ट में 2 पुलिस वाले और 1 CRPF जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उस पर घर में ब्लास्ट कर दिया जहां जुनैद सिपा था। जिस तरह से आप इन तस्वीरों में देख रहे हो कि घर जले हुए नजर आ रहे हैं, मार्च 2018 में आतंकी जुनैद के पिता मोहम्मद अशरफ ने हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी की जगह ली थी और इसी के बाद जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। 2018 में ही वह जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में अपने घर बागात इलाके से गायब हो गया था। इसके बाद उसकी बंदूक पकड़े तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आई थी। उसके परिवार ने मार्च 2018 में उसके गायब होने की सूचना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। हालांकि उसे लौटने के लिए परिवार ने कोई अपील नहीं की। 2 साल बाद श्रीनगर में इस तरह की मुठभेड़ हुई है। इससे पहले करण नगर में अक्टूबर 2018 में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लश्कर कमांडर मेराज उद्दीन बांगरू को मार गिराया था। घाटी में अब इंटरनेट बंद है। हालात पर काबू रखने के लिए श्रीनगर में BSNL के अलावा सभी फोन और मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। अभी 2 हफ्ते पहले 6 मई को ही सुरक्षा बलों ने पुलवामा में हिजबुल के कश्मीर कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया था। 16 मई की रात सुरक्षा बलों को डोडा के खोत्रा गांव में ताहिर होने की सूचना मिली थी। जनवरी 2020 में हिजबुल आतंकी हारून के मारे जाने के बाद से यहां के आतंकी गतिविधियां ताहिर ही संचालित कर रहा था। रविवार सुबह 7 बजे के करीब एक घर के अंदर छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद 5 घंटे चली मुठभेड़ में ताहिर मार गिराया। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप द सुगम के साथ बने रहें। हम भी यही गुहार लगाते हैं कि भारत ऐसी ही ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ता रहे।